आप देख सकते हैं मैंने मेहंदी लगाया है और मैं जा रही हूँ देहरादून, तो कुछ ऐसा अर्जेंट काम है इस वजह से जाना पड़ रहा है। तो हम जा रहे हैं अंशुल की मम्मी और मैं, तो कल हम जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत पैकिंग सेकिंग कर देते हैं, और फिर बाल भी वाइट हो रखे थे तो मैंने कहा चलो इसमें मेहंदी लगा देती हूँ, बस थोड़ा बहुत पैकिंग करती हूँ और उसके बाद फिर कल निकलना है। जाने का तो मन ऐसा नहीं था, पर ऐसा कुछ काम है जिसके लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। और मतलब जाने का मन तो होता है, पर जाने का मन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आकाश की टेंशन हो रही थी। वो थोड़ा जैसे अपना थोड़ा अच्छे से ध्यान नहीं रखता है, हर चीज़ थोड़ा केयरलेस है, तो इस वजह से इसकी टेंशन से मुझे थोड़ा वो लग रहा था। पर अपना घर तो क्यों नहीं जाने का मन करेगा, वहीं पे जाने का बैठने का मन करता है। पर रीज़न वही था कि अब मैं जाऊंगी तो फिर इसका इसके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, कि खाने से लेके इसको हर चीज़ मैं ही रेडी करके देती हूँ। कपड़े प्रेस हो गए, इसके जूते हो गए, जूते गंदे हैं कि कपड़े गंदे हैं, कि अंडरवेयर गंदा है कि वेस्ट गंदा है, कि मतलब हर चीज़ A to Z मेरे भरोसे बैठता है। तो फिर इस वजह से तो थोड़ा सा मुझे वो लग रहा था, पर इसने बोला नहीं मम्मी मैं कर लूँगा, जब तक आप मुझे नहीं छोड़ोगे, मेरे ऊपर जिम्मेवारी नहीं आएगा तब तक मैं कैसे करूँगा। हाँ मैंने कहा ये बात भी है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 10-12 दिन के लिए जा रही हूँ, जाके फटाफट काम करके फिर आ जाऊँगी। तो अभी पैकिंग करते हैं, तो अभी बस मेरे मेहंदी सूख जाएगा, फिर नहाती हूँ, नहाने के बाद फिर उसके बाद फिर पैकिंग करती हूँ आज, क्योंकि कल निकलना है। और यहाँ पर मैं पैकिंग शुरू कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने VIP पर रख दिया है बेड पे, और इसमें मैंने पहले से ही मेगा के लिए कपड़े अलग से रख दिए थे, क्योंकि मेगा ने जो जो बोले थे कपड़े लेके आने के, उसमें से भी मेगा ने काफ़ी कपड़े को अलग करने के लिए बोल दिया है, तो काफ़ी मतलब हल्का हो गया है कपड़ा VIP में, क्योंकि पहले ही इसी के कपड़े से पूरा फुल हो गया था। तो अभी उसने काफ़ी मतलब आधे से ज़्यादा उसने बोला लेके नहीं आना है, बस कुछ कुछ कपड़े मंगाए हैं, और मैं भी ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि मेरे भी वहाँ पर हैं कपड़े, तो थोड़े बहुत ही लेके जा रही हूँ। तो बस फटाफट से मैं ये पैक कर देती हूँ, और आज मैं सुबह से मतलब 1 मिनट नहीं बैठी हूँ, सुबह से मैंने काम ही किया है। तो अभी बस अभी बस ये जैसे पैकिंग होगा उसके बाद फिर थोड़ी देर में मैं जैसे खाना दिन का बनाऊँगी, और उसके बाद फिर मुझे जाना है सोफ़े के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं देख रही थी, तो कल मैं गई थी दुकान में, वहाँ पर देख के आई थी तो मुझे मतलब अच्छा लगा था, तो फिर आज उनका कॉल आ रहा था तो मैंने कहा चलो जब लेना ही है तो फिर उसे लेके ही आ जाते हैं, क्योंकि आजकल आजकल करते करते फिर वही होता है ना, फिर रह ही जाता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो अभी जाते हैं। फटाफट से पहले काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जाऊँगी सोफे देखने के लिए। पैकिंग भी हुई, यहाँ पर मेरे कपड़े हैं, यहाँ पर मेगा ने जो मंगाए वो कपड़े हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर भी है देहरादून में मेरे कपड़े, तो बस 4-5 जोड़ी मतलब 4-5 पेयर लेके जा रही हूँ। तो बस इसमें सब हो गया है, और कुछ सामान मैं इसमें रखूँगी, तो पैकिंग डन हो गई है। देखिए मौसम अभी भी बारिश आने जैसे हो रहा है, और यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ काम तो होता रहता है शायद, मैं किस चीज़ का काम है मेरे को इतना आइडिया नहीं है। तो अब यहाँ पर पानी डाल रही हूँ क्योंकि डाल देती हूँ, उसके बाद पता नहीं उसके बाद पानी आकर डालेगा कि नहीं, मुझे तो लगता पानी डालेगा वो, मुझे बोलना पड़ेगा कि पानी डाल दियो। फिर इसमें डालना है, और तो 2 मिनट डाल दिया है,
चलो 3-4 दिन के लिए तो हो जाएगा, उसके बाद फिर बोलूँगी इसको फ़ोन करके कि पानी डाल दे। तो मैं दुकान में आ गई थी सोफ़ा के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे चारों तरफ सोफ़े ही हैं। तो यहाँ पर अभी भैया मेरे को ये खोल के दिखा रहे थे, तो दूसरा भी दिखा रहे थे, तो फिर बोल रहे थे ये वाला भी ले लो, ये मतलब एल टाइप का सोफ़ा भी है और सोफ़ा का बेड भी है। पर मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं लूँगी, क्योंकि ये तो और ज़्यादा जगह घेरेगा। और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आकाश बोल रहा था कि मतलब थोड़ा छोटा टाइप का लाना है, पर इतना छोटा भी मुझे दिख नहीं रहा था। पर फिर जो दूसरा वाला पहला देख रहे थे, मैं वही सोच रही थी कि वही लूँ कि या दूसरा कोई और देखूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर इसके लिए तो मैंने मना कर दिया था। तो इसके लिए मैं 50-50 हो रही थी कि लूँ कि ना लूँ। तो यहाँ पर मैं पूरा दिखा रहे थे गद्दा वगैरह सब चीज़, तो अच्छे से मैंने देख लिया था, और वैसे मेरे को ये अच्छा लग रहा था, तो कलर वगैरह भी अच्छा लग रहा था, और गद्दे भी इसमें जैसे इन्होंने बोला था 5 साल की गारंटी है। तो फिर सच में दुकान में जाओ ना तो समझ नहीं आता कि कौन सा लेना ठीक है कौन सा नहीं लेना ठीक है। तो फाइनली मैंने सोफ़ा डन कर दिया। सकते हैं यहाँ पर जो बेड था तो इसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपको वीडियो में दिखाया था मैं सोफ़ा के लिए गई थी, तो सोफ़ा भी आ रहा है, तो मैंने कहा चलो इसको उठा देते हैं, उठा के फिर यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं गद्दा उठा रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर जो एक था दीवान जैसा उसको मैंने सेल कर दिया था, तो यहीं पर मैं सोती थी, क्योंकि एक तो मुझे नीचे अच्छा भी लगता है, ऊपर से फिर सामने टीवी था, तो कभी जैसे क्राइम पेट्रोल देख लिया या मूवी देख लिया तो फिर यहीं पर मैं यहीं पर बैठ के देखती थी, और यहीं पर रात को यहीं पर सोती थी। तो अभी फाइनली सोफ़ा आ रहा है, तो मैंने कहा चलो फटाफट से यहाँ पर साफ़ कर देती हूँ। और मैं जैसे कि पर्दा भी लेके आई थी, जो पहले वाला लेके आए थे ग्रे टाइप का, तो हम अंदाजे से ले आए, क्योंकि हमें लगा था कि वो शायद ये जो विंडो है वो 5 फीट का होगा, तो हमने उसी हिसाब से 5 फीट का लिया, तो वो तो छोटा हो गया था। तो अभी उसको मैं निकाल के रख दूँगी, और सोच रही हूँ उसमें मैं थोड़ा सा लेस लेके उसी ग्रे टाइप का लेस लेके उसमें सिला दूँगी, तो उसकी फिर हाइट फिर 7 फीट की हो जाएगी, मतलब 6 फीट जितना हो जाएगा। तो अभी मैं बस फटाफट से इसको पर्दे को प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि ये पर्दा जो है थोड़ा सा फिसलन में है, तो मैं सोच रही थी कि इसको ऐसे प्लेट बिठा के प्रेस कर दूँगी, तो जैसे लगाऊँगी तो उसमें थोड़े से हल्के फुल्के प्लेटें दिख जाएंगी। तो कहीं भी मैंने ऐसे देखा था कि मतलब वो लोग ऐसे प्रेस कर रहे थे, तो वो उसी देख के थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के मैं भी कर रही हूँ, देखती हूँ होता है कि नहीं, प्लेट बैठते हैं कि नहीं। तो अभी बस थोड़ा गर्मी भी हो रहा था, तो फिर मैं बाद में मेरे को याद आया कि मैंने तो पंखा चलाया भी नहीं है, तो मैंने फिर वो प्रेस कर दिया था, उसको मैंने साइड में रख दिया, और उसके बाद जाके फिर मैंने पंखा ऑन कर दिया था। तो अब मैं निकाल रही हूँ ये पर्दा, तो यहाँ पर पर्दा निकालने के बाद फिर मैं लगा दूँगी ये जितने भी मैंने ये 4 पीस प्रेस किए थे, इसको लगा दूँगी। और ये पर्दा मैंने थोड़ा सा मैचिंग कलर का लिया है, क्योंकि अब मैंने कहा अभी फ़िलहाल के लिए यही वाला ले लेती हूँ, और फिर बाद में जब अच्छे से मेकओवर करूँगी पूरा दिखाऊँगी, तब फिर देखूँगी दूसरा लेके आऊँगी। पर्दा लगा देते हैं, और जैसे थोड़ी देर में सोफ़ा भी पहुँचने वाला है, तो मैंने कहा पहले ये पर्दा लगा देती हूँ, क्योंकि अगर सोफ़ा आ गया तो उसके बाद फिर वो लोग फिट कर देंगे, फिर उसके बाद फिर और मेरे को दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बस फटाफट एक एक करके इसमें सारे पर्दे मैंने लगा दिए हैं, और उसके बाद फिर ऊपर मैं इसको फिट कर दूँगी, और फिट करने के बाद देखते हैं कैसा लगता है पर्दा। और वैसे कैमरे में इतना वो नहीं लग रहा, पर रियल देखने में मतलब अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके ये पर्दे को सेट कर दिया है, और सेट करने के बाद बस अभी फ़ोन भी आ गया था, तो लोग सोफ़े वाले भी पहुँच गए हैं, तो बस अब देखिए ये भी सेट हो गया है। तो पर्दे भी लग गए हैं, अभी बस सोफ़ा आने वाला है, सोफ़ा फिर लगाएंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा सेट करेंगे, और होम टूर तो मैं बाद में दिखाऊंगी। तो पर्दे को भी मैंने लगा दिया है, तो अभी जैसे सोफ़ा आएगा सेट होगा उसके बाद दिखाऊंगी। तो यहाँ पर फाइनली सोफ़ा पहुँच गया था, और इतने दिन के बाद हमने
सोफ़ा लिया, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर एक दीवान बेड था, तो इस वजह से मैं सोफ़ा ले नहीं पा रही थी। तो फाइनली दीवान बेड को मैंने सेल कर दिया था। उसके बाद ये सोफ़ा, मतलब काफ़ी जगह देखा था सोफ़ा और समझ नहीं आ रहा था कि किस टाइप का लाना है, क्या लाना है। तो अभी इन लोगों को भी मैं पूछ रही थी बच्चों को कि कैसे टाइप का चाहिए, तो उन हर किसी का अलग अलग चॉइस हो रहा था, तो इस वजह से मैंने किसी को नहीं पूछा। तो मुझे यही सही लगा, क्योंकि इसमें जैसे सोफ़ा कम बेड है, तो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं ये ठीक है, मतलब सिंगल भी है और जैसे कोई गेस्ट आ गया या खुद ही भी जैसे सोना हो गया तो फिर इसको खोल भी सकते, रात को खोल के बेड भी बन सकता है और दिन में सोफ़ा भी बन सकता है। तो ये चीज़ें, काफ़ी चीज़ें सोच के फिर मैंने ये लिया। पर जैसे मैं यहाँ पर ये भैया लगा रहे थे और सेट कर रहे थे, तो मेरे को ऐसे लगा कि मतलब दिखने में मेरे को वहाँ पे दुकान में छोटा ही लग रहा था, पर जब मैं यहाँ पर सेट कर रही थी तो उसके बाद जैसे सेट किया तो मुझे लगा हो ये तो मतलब काफ़ी जगह ले रहा है, क्योंकि आकाश ने पहले ही बोला था कि मुझे डांस के लिए जगह चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद यहाँ पर जगह कम होगा। तो अभी देखते हैं, अब ले आए हैं, अब कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, नहीं तो उसको बोलूँगी वो जो बाहर की गली दिख रही ना वहाँ पे डांस कर। तो वही है, तो अभी देखिए एक एक करके वो सामान लेके आ रहे थे। तो पिछले कुछ दिन से मैं काफ़ी जगह देखने जा रही थी सोफ़ा, और ज़्यादातर मतलब जहाँ भी जा रही थी वहाँ पर एल सोफ़ा या सोफ़ा कम बेड एल में ऐसा दिखा रहे थे, पर मुझे सिर्फ एक छोटा में लेना था, पर इतना छोटा भी नहीं दिख रहा था जहाँ भी जा रही थी, इनसे इससे बड़े बड़े दिख रहे थे। किसी जगह में टीन वाला दिख रहा था, लोहे वाला, वो तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर फाइनली ये दुकान में जब मैं गई थी तो मेरे को ये वाला पसंद आया, और फिर उसके बाद वहाँ दुकान में तो मुझे इतना बड़ा नहीं लग रहा था, ठीक ही साइज़ लग रहा था, पर जैसे घर में लाए तो फिर शायद हमारा ये रूम थोड़ा छोटा है ना, लिविंग रूम, तो इस वजह से भी होगा कि ऐसा मतलब वो दिख रहा था। तो वैसे तो लगाने के बाद अच्छा लग रहा था। तो भैया बता रहे थे कि इसको बॉक्स को मैं फ़िट कर देता हूँ, और जैसे आपको सोने के टाइम पे कैसे ओपन करना है, कैसे बंद करना है, वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो यहाँ पर बस ये भी ले आए थे बॉक्स, तो बॉक्स को भी इन्होंने फिट कर दिया। और इस बॉक्स में ये अच्छी बात है कि इसमें एक मतलब स्टोर जैसा है कि इसमें हम कुछ भी सामान वगैरह रख सकते हैं। तो भैया ने पहले शुरू में तो ऐसे बंद करके दिखाया, और उसके बाद फिर यहाँ पर आप दिखा रहे थे कि देखिए मैम आप यहाँ पर हर सामान थोड़ा बहुत रख सकते हैं। तो बस यहाँ पर फिट कर दिया था, और यहाँ पर जैसे थोड़े बहुत जो नट वगैरह लगते हैं वो लगा रहे थे। और फाइनली जाके हमारा छोटा सा लिविंग रूम अब लिविंग रूम लग रहा है, नहीं तो पहले ये बेडरूम ही लग रहा था, क्योंकि आपको पता ही इससे पहले हमारे यहाँ पर एक दीवान बेड था जो कि उसके कारण हम सोफ़ा नहीं रख पा रहे थे। तो फाइनली वो दीवान बेड को मैंने सेल कर दिया, उसके बाद जाके अभी ये छोटा सा सोफ़ा ले आए हैं, जिसका इसमें अच्छे से प्रयोग होगा कि इसमें अगर जैसे हम ज़्यादा लोग हो गए तो इसको बेड भी बना सकते हैं और वैसे सोफ़ा भी बन जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें सोच के मैंने ये सोफ़ा कम बेड लिया है। तो यहाँ पर पूरा नेट वगैरह अच्छे से नट वगैरह उन्होंने लगा दिया था, और उसके बाद बता रहे थे कि आपको लास्ट में हम बताएंगे कि इसको जैसे ओपन करोगे तो बेड बनाते समय क्या करना है, और इसको बंद करोगे तो क्या करना है। तो मतलब अच्छे से इन्होंने सब चीज़ फिट कर दिया, और ये सोफ़े की मतलब 5 साल की गारंटी है कि 5 साल तक कुछ नहीं होगा। तो अब देखते हैं, वैसे तो हर कोई दुकानदार अपने सामान देने के लिए बोलते ही है, पर अब देखते हैं। वैसे तो बिल वगैरह दिया है इन्होंने। ये सोफ़े की एक बात और मुझे अच्छी लगी कि इसमें टायर लगे हुए हैं, जैसे मैं बेड के लिए इसको खींचूँगी तो मुझे ज़्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा ताकत लगाना पड़ेगा, और फिर ये चीज़ के लिए मेरे को ये चीज़ भी अच्छी लगी है। तो अब देखते हैं आगे आगे यूज़ करेंगे तब पता चलेगा कि कैसा क्या है। तो यहाँ पर भैया बता रहे थे कि आपको जैसे सोना होगा तो इसको ऐसे खींच के इसको ऐसे बेड बन जाएगा, और अगर आपको सोफ़ा बनाना है तो इसको फोल्ड करके आप फिर आराम से इसको धक्का दे सकते हो, और इसको ये बन गया सोफ़ा। और नीचे के साइड में इन्होंने एक मेरे को बता दिया है कि अगर आपको बेड बनाना है तो एक
वो है लोहे का कुछ है, उसको सिर्फ लेफ्ट और राइट करना है, बस वही है। तो फाइनली यहाँ पर सोफ़ा आप देख सकते हैं। तो बताइए कैसा लगा आपको कमेंट करके। छोटा सा है, अभी अच्छे से होम टूर कराऊंगी तब एक एक चीज़ आप लोग को दिखाऊंगी।